नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए और इस मौके पर मैं इतने पार्टी हाईकमांड समुची लीडरशिप और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुरजीत सिंह बादल साहब और बहुजन समाज पार्टी के प्रधान डॉक्टर जसवीर गली जी उन्होंने सारे का धन्यवाद करता जिन्होंने मेरे च विश्वास प्रकट किया। और मैं थोड़े माध्यम तो ये जरूर कहूँगा कि बेशक इस इलेक्शन ने कोई सरकार ना बनानी है ना सरकार कोई गिरनी है, पर जलंधर वासियों के को एक मौका आ कि वो पंजाब की भगवंत मान सरकार और सेंटर की मोदी सरकार जिहड़ी सिर्फ तो सिर्फ लोगों धर्म के नाते लोगों जात दे दा दे नाल लड़ा के राजनीति करनी चाहनी आ और जो उन्होंने वादे किए से लोगों वो तो भुल के लोगों को दूसरे पासे चो लिजाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये बेनती करूँगा कि ये मौका आ असी सरकारां दे खिलाफ असी अपनी गल कह सकीए। बाकी जलंधर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलंधर लोग सभा का इलेक्शन आ घट तो घट जिस तरह मैनू पहला मैं एज ए MLA बंगिया के मैं MLA बन के गया मैं और विधानसभा के अपनी गल रखने का मौका मिलया तो मैं समझदा कि जिहड़ियां जलंधर दीआं मुश्किलां ने जो जलंधर दे लोग देश की आजादी तो 75 साल तो भी ज़्यादा समा हो गया अजे भी सफर कर रहे हैं वो रखने का मौका मिलेगा। कल मैं बाई चांस एक गुरु नानकपुरा रोड जी है मैं जाना पाया मैं उत्थे आप फाटक से एक घंटा खड़ा रहा। जे जलंधर शहर का तुम एक एक घंटा बच्चे स्कूलों वाले बच्चे कोई एंबूलेंस जेकर शहर का इस तरह का हाल है मैं समझता कि ये गल् साढ़े विधानसभा लोग सभा के होनिया चाहिए सी। और मैं एक बड़ी क्योंकि डॉक्टर हाँ ये पहली गल इस गलते जाती है कि जी एक सेंटर की स्कीम आ जी एक मैंबर पार्लीमेंट ने लैके आनी सी इस क्योंकि सेंटर ने हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर का जरा हॉस्पिटल आनू मैडिकल कॉलेज कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने जी सेंटर की ग्रांट आनी सी अज साडे च जॉज साहब नहीं रहे सब इस गल का अफसोस आ पर अज तक 9 साल यह मैडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए सी क्योंकि जो जो कि मैडिकल कॉलेज बनता जो सहूलत उसे मिलती मैं समझता कि उदा की सहूलत दूजे हस्पताल नहीं दे सकते। और अज भगवंत मान सरकार जी है वो जिस तरह 300 यूनिट के देने दे आड़ देखो श्रोमणी अकाली दल भी 200 यूनिट दिता है 100 यूनिट वधा के जो लोगों तो नहीं खोया वो थोड़े सामने आ। जे सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब आटे के नाल दाल देंदे सी अज दाल गायब आ और हर 6वां कार्ड हर जो नीला कार्ड जिन्होंने बाद स्मार्ट कार्ड किया गया वो कट दिता गया और गरीब लोग कटिया भी वह जो जरूरतमंद से। और सब तो बड़ी गल जो मैं महसूस करता वो आटा दाल कार्ड नहीं कला ही जो आयुष्मान हैल्थ कार्ड जोड़ा है वह बड़ा जरूरी सी जोड़ा चन्नी साहब जाते जाते बंद कर गया कांग्रेस की सरकार से और उन्होंने वो आयुष्मान कार्ड जो चलता से हॉस्पिटलों के जो 5 लाख का इलाज हों जी कंपनी ने वो ठेका लिया भजाता क्योंकि उन्होंने 250 करोड़ रुपया प्राइवेट हस्पताल को देना सी और जे कहना मैं 250-250 करोड़ का वो और जेकर कोई भी एग्रीमेंट तोड़ता तो उन्होंने 400-500 करोड़ रुपया होर जुर्माना देना पैना सी 7-8 करोड़ रुपया जोड़ा लोगों जो इलाज करा चुके हस्पताल इलाज कर चुके ज किसी ने इलाज कराने की सोची सी वो बंद हो गए। पर मौजूदा सरकार इन्हें भी अजे तक आयुष्मान जी योजना शुरू नहीं की और उस 100 यूनिट की आड़ दे दसो साड़ियाँ बीबिया भैन जो डिगदियाँ की आ सू 1000 रुपया हर महीने आऊगा वो अजे तक शुरू नहीं होया। उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर सुखी जी के नामजदगी पत्र जोड़े आखिल हो मैं खुशी है कि BSP के प्रधान साहब सरदार जसवीर सिंह कड़ी साहब जी बहुजन समाज पार्टी के सूबे के चंडीगढ़ के इंचार्ज सबका मैंबर पार्लीमेंट सबका प्रधान सरदार अवतार सिंह करीमपुरी साहब तो साढ़े बलविंदर कुमार जी मजित्र सिंह जी खहरा साहब होर साढ़े सीनियर साथी जोड़े है क्योंकि गिनती बड़ी सीमित होंगी है तो साड़िया पार्टियां का यह फैसला सी कि कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करते हुए बिल्कुल जिन्हें उन्होंने वालों अलाउड है उन्हें ही व्यक्ति शामिल।
एक मैं खास तौर के उत्ते प्रधान साहब वालों श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब वालों खिमा चाहना क्योंकि उन्होंने आप आके नॉमीनेशन दाखिल कराने से पर परसों के सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब जो साडे पार्टी के सरप्रस्त भी ने एक फादर फिगर ने सबका मुख्यमंत्री ने उन्होंने थोड़ी जी सेहत की प्रॉब्लम करके फोर्टिस हस्पताल के दाखिल ऑडियो वेखे तो प्रधान साहब भी बैठे होने करके सवेर के हस्पताल के उन्हों की कोशिश सी पहला उन्होंने घंटा को लेट भी कराया कि एक की बजाय थोड़ा लेट करो पर उ जहाँ जरूरी रुकना पाया क्योंकि इस मौसम के भावें बाल साहब की ओवरऑल सेहत ठीक ठाक है पर पुरानी उन्होंने सह की अस्थमे की शिकायत और इस हारवेस्टिंग सीजन के अस्थमे वाले सारे पेशेंट ही थोड़ा जहा परेशान होंगे है इस करके प्रिकाशनरी तौर पर एज के करके उन्होंने एडमिट कराया उत्थे अज प्रधान साहब को कुछ कारण करके रुकना पाया जिदे करके मैं उन्होंने वालों थोड़े तो खिमा भी चाहना क्योंकि वह तो कई दिनों तो लगातार डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुखी जी के हक के चोन पड़ताल के गढ़ी साहब के नाल प्रिंसिपल साहब के नाल सारी टीम के नाल लगातार लगे हुए इस करके अज इस मौके पर शामिल नहीं हो सके वार बार कह रहे पर असी भी सारिया ने इस गल कि नहीं बाल साहब की सेहत पहला तुहाडा बतौर जिहड़ा बेटा फर्ज बनता है तुसीं अपने फर्जां दी पूर्ति करो इस करके वो आ नहीं सके और मैनू खुशी है कि जिस तरह का माहौल सुखी साहब के कैंडीडेचर अनाउंसमेंट हुण तो बाद बनिया